इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे थोड़ी सी बातें आपको और बतानी पड़ेंगी। देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड, m की वैल्यू है 30, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 1.25, ओके, और आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको हाउ वुड यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब लेंथ फाइंड करनी है आपको, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप फाइंड करनी है। हाउ विल यू सेटअप का मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में कितना डिस्टेंस रखा जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा सा मुझे कुछ अलग सी बातें इसमें बतानी है आपको। माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रफ डायग्राम। ये आपका माइक्रोस्कोप है जिसमें कि आईपीस लेंस साइज में बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ ओ है, और एफ ओ के बाहर रखे जाता है ऑब्जेक्ट, और पहली इमेज बनती है यहाँ, है ना, ए डैश बी डैश। ये डिस्टेंस हम लेते हैं कितना, यू ओ, ये डिस्टेंस लेते हैं कितना, वी ओ। उसके बाद इस इमेज को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये कहाँ आ जाए, ये आपका एफ ई और लेंस के बीच में आ जाए। ये एल ई है, इसका ये एफ ई हो गया, और फिर इससे क्या बनती है, इससे बनती है एक फाइनल इमेज, ये वाली ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली यू ई, यू ई, ये यू ई डिस्टेंस बहुत कम होती है वी ओ के कंपैरिजन में, वी ओ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है यू ई। मतलब यहां आपका जो ये वी ओ है, वी ओ इज मच लार्जर देन यू ई, ठीक। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एक्चुअली है कितना, वी ओ प्लस यू ई, लेकिन जब वी ओ काफी काफी बड़ी है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, वी ओ, करेक्ट। अब यहां देखिए ध्यान से, ये जो यू ओ है, यू ओ है, यू ओ की वैल्यू स्लाइटली स्लाइटली लार्जर है किससे, एफ ओ से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें एफ ओ और टू एफ ओ के बीच में रखना होता है, एफ ओ के बाहर रखना होता है। तो ये जो यू ओ की वैल्यू है, ये एफ ओ के थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब यू ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ होता है, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को एफ ओ के बस थोड़ा सा ही बाहर रखते हैं। रखनी तो एफ ओ के बाहर ही है, क्योंकि हमें रियल इमेज चाहिए दूसरी साइड, एफ ओ और टू एफ ओ के बीच में ही रखना है इसे, क्योंकि रियल इमेज चाहिए। तो इस केस में जब ये कंडीशन बन रही है, तो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, ध्यान से समझो, फॉर्मूला ड्राइव किया था माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस, बोलो, डी अपॉन एफ ई, है ना, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए किया था। और एक फॉर्मूला हमने फार पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए किया था, डी बाय एफ ई। तो यही दोनों फॉर्मूले अगर हम यहाँ इस कंडीशन में लगाने लगें, तो वी ओ लगभग किसके इक्वल है, लेंथ, और यू ओ लगभग किसके इक्वल है, एफ ओ। तो फिर क्या बन जाएगा, देखो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ को लिखेंगे हम एल, और इसे लिखेंगे, बोलो, एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और इस वाले फॉर्मूले को, ये तो ये बन गया, और ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे फार पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए एल बाय एफ ओ और डी बाय एफ ई। तो अब आप देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले में आपको एम गिवन है 30, एल आपको फाइंड करना है, एफ ओ गिवन है, एफ ई गिवन है, और डी की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है डी की वैल्यू। सारी वैल्यूज रख दो, एल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक बात याद रखना हमेशा कि जब हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में यू वी एफ वगैरह रखते हैं, तब हम इसके सिंबल नहीं लेंगे,
तब हम सब कुछ पॉजिटिव में ही रखेंगे यहाँ। मतलब यहाँ अगर हमें यूओ रखना पड़ता तो हम माइनस में यूओ नहीं रखते, सीधे सीधे यूओ की न्यूमेरिकल वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर लेते, क्योंकि ये दो बार फॉर्मूले में हम यूज कर चुके हैं माइनस, एक बार लेंस फॉर्मूले में और एक बार लेंस फॉर्मूले से जब ये बनाया था तब हम फॉर्मूले से यूज कर चुके थे। तो इस तरह से इस सीधे सीधे आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं, सीधे सीधे आप यहां से लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो m की वैल्यू है, m निगेटिव होता ही है, वो m की वैल्यू क्या होती है, जैसे इस फॉर्मूले में आपको, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है m इक्वल्स 30x, तो एक्चुअली हम इस फॉर्मूले में m की वैल्यू रखेंगे -30 l, fo कितना, fo गिवन है 1.25, d 25 हो गया, और fe कितना गिवन है, 5 गिवेन है, और यहाँ से सीधे सीधे आपको एल निकल कर आ जाएगी। कब, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए लेंथ आपको फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है।